हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगा वर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएस को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 54 है, जिसमें हम बात करेंगे वाइट स्पेस प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में। तो चलिए चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में और देखते हैं हमारा कोड। तो बेसिकली हमने कोड में यहाँ पर एक पी टैग लिखा हुआ है, उसमें हमने डेटा डाला हुआ है और हमने कुछ भी यहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया है इस कोड में। तो क्रोम में इसका रिजल्ट देख रहे हैं इस तरीके से। तो बेसिकली वाइट स्पेस प्रॉपर्टी करती क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होता है, जो कि हिडन होता है, जो कि नहीं दिखता, उसको रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो मैं इस पी टैग में यहाँ पर प्रॉपर्टी कॉल कराता हूँ वाइट स्पेस। मैं लिखूँगा वाइट स्पेस, ठीक है। यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टी दूँगा, यहाँ पर होती है एक तो नॉर्मल आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप दे सकते हैं नो रैप, तीसरा आप दे सकते हैं रैप भी दे सकते हैं, चौथा आप दे सकते हैं प्री, ठीक है। प्री हमारा टैग भी होता है, आपको पता होगा प्री टैग एचटीएमएल में जब हम यूज़ करते हैं तो जैसा का जैसा हम लिखते हैं वैसा का वैसा वो प्रिंट करता है। अगर मैं अब आप देखोगे यहाँ पर रिजल्ट में कि ये जो डेटा है ये मेरी विंडो की स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप दिख रहे हैं ये डेटा ऑटोमेटिक रैप हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूँ वाइट स्पेस में नो रैप, तो देखो क्या होगा। सेव किया, रिफ्रेश, एक सेकेंड, यहाँ पे विदाउट हाइफन नो रैप, सेव किया, रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो रैप नहीं हो रहा है, जैसा ये पूरी की पूरी स्क्रीन को यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जो एक्चुअल विंडो है जो हमें शो हो रही है ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, मतलब इस टेक्स्ट को रैप नहीं कर रहा है। अगर आप कराना चाहते हैं कि रैप करें तो आप लिखेंगे WRAP, रैप, सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखा कि हमारी जितनी स्क्रीन है उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसने अपना जो डेटा अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे होता है आप रैप भी डाल सकते हैं या आप डाल सकते हैं नॉर्मल, यहाँ पे आप रैप भी डाल सकते हैं और नॉर्मल भी डाल सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। अब दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि हम जिस तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा वेब ब्राउज़र में उस तरीके से वो नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन में, फिर मैंने दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा वो ऐसा का ऐसा ही दिखे। या तो मैं प्री टैग का यूज़ करूँ, अगर प्री टैग का ना यूज़ करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है प्री, उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्री लिखूँगा तो उससे क्या होगा, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा यूज मेरे को ब्राउज़र पर दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, तो मैं जैसा लिखूँगा वैसा का वैसा दिखेगा। और मैंने यहाँ पर लिखा द, यहाँ पर लिखा एजुकेशन, स्पेस दिया मैंने अकेडमी, सेव किया, अब करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखो जितने स्पेस मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किए थे उतने के उतने स्पेस मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब अगर आप वाइट स्पेसेस में प्री अगर वैल्यू का यूज़ करते हैं तो जैसा आप अपने अपने प्रोग्राम में लिखते हैं वैसा का वैसा ही आपको ब्राउज़र में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारा डेटा रैप हो जाए अकॉर्डिंग स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप रैप यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ करेंगे नॉर्मल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा वो रैप ना हो, ठीक है, तो आप नो रैप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्री टैग भी यूज़ करके दिखाता हूँ कि अगर हम ये नहीं यूज़ करते हैं सपोज, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ प्री टैग तो आप देखेंगे प्री टैग को ओपन किया और यहाँ पर मैं प्री टैग को क्लोज़ कर लूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर रैप नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ प्रॉपर हमारे डेटा को रैप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ वाइट स्पेस नॉर्मल, तो फिर भी ये प्रॉपर काम नहीं करेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्री टैग दिया हुआ है, ठीक है। या तो आप प्री टैग के थ्रू काम करो, नहीं तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे वाइट स्पेसेस वैल्यू का यूज़ कर, प्रॉपर्टी यूज़ करके इसमें आप नॉर्मल वाई आप यूज़ कर सकते हैं, नो रैप यूज़ कर सकते हैं, रैप को यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल और प्री, सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो प्री टैग है, मतलब कि जैसा आप लिखोगे वैसा ही आप पाओगे ब्राउज़र में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।